पश्चिमी देशों में कोविड महामारी के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 7% घटी, जो मंगलवार तक स्थिर हो गई। कच्चे तेल के दाम के नीचे गिरने का एक और कारण था रविवार को तेल पैदा करने वाले देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस कहे जाने वाले देशों के बीच तेल के उत्पादन को बढ़ाने पर हुआ समझौता। पिछले सप्ताह तेल उत्पादन के कोटे को लेकर दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच हुए मनमुटाव ने दोनों देशों के बीच बातचीत को लटका दिया था, लेकिन रविवार को यह विवाद खत्म हुआ और एक नए बयान में ओपेक कार्टल ने घोषणा की कि इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट होगी, जो इन दिनों 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है? भारत में तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमतों से तय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती और बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत के आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों के रुझानों से ये देखने को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह केवल एक है और वो ये कि केंद्र और राज्य सरकारें तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रहती हैं। भारत सरकार ने अकेले जून में खत्म होने वाली तिमाही में तेल पर लगे एक्साइज ड्यूटी से 90,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? अर्थशास्त्री विवेक कौल उम्मीद जताते हैं कि इस बार भारत में तेल की कीमतें कम होंगी। वो कहते हैं कि ओपेक प्लस देशों के अधिक उत्पादन करने के निर्णय के साथ निश्चित रूप से भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में कच्चे तेल की भारतीय कीमत 19 जुलाई को घटकर 71.2 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी, जो 15 जुलाई को 75.26 डॉलर थी। बेशक ये उसी समय संभव है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाती हैं, इसलिए कीमतों में काफी हद तक गिरावट होनी चाहिए। वहीं चूड़ीवाला सिक्योरिटीज के आलोक चूड़ीवाला को लगता है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी और आम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम नहीं होंगी। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के साथ मुझे भारत में भी इसी तरह की गिरावट की उम्मीद नहीं है। केंद्रीय बजट पेश किए जाने के समय हर कोई कोविड के कारण भारी कर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोविड-19 पर भारी खर्च और स्टिमुलस पैकेज दिए जाने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की गिरावट के कारण सरकार को होने वाले अधिकांश लाभ को देखते हुए बजट में कर नहीं बढ़ाया गया था। विवेक कौल के विचार में इस बार कीमत बढ़ाना सरकार की छवि के लिए सही नहीं होगा। वो कहते हैं कि 100 रुपए से अधिक की पेट्रोल की कीमत और 100 रुपए से करीब डीजल का दाम सरकार के लिए खराब पीआर है, इसलिए वे कीमतों में गिरावट को उपभोक्ताओं तक जाने देगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है। भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक तक पहुंच गई और डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के करीब हैं। भारत में कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम घटता है तो भारत में भी घटना चाहिए, और अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो यहाँ भी इसकी कीमत बढ़नी चाहिए। पिछले साल महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल के दाम तेजी से गिरे और गिरकर लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए, तो इसके बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमत घटने की बजाय तेजी से बढ़ी। सिंगापुर में भारतीय मूल की ऊर्जा विशेषज्ञ वंदना हरी कहती हैं कि इसकी वजह है भारत सरकार की ओर से तेल पर 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना। कई राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय कच्चे तेल की कीमत 68 से 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है, यानी पिछले साल मार्च अप्रैल के मुकाबले दाम 80% ज्यादा है। विपक्ष का आरोप है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार के टैक्स को मोदी टैक्स कहा और तर्क दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी टैक्स हटा दें तो दाम 60 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। पार्टी के मुताबिक सरकार ने पिछले 7 सालों में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर 20 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं।
तेल, गैस और डीजल के तेजी से बढ़ते दाम से आम जनता परेशान है। तेल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण कई वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, जिससे मांगों में भी कमी आई है। अब जबकि अर्थव्यवस्था महामारी की मार के बाद ऊपर उठ रही है, मांग में कमी सरकार के लिए बुरी खबर है। जानकार कहते हैं कि सरकार तेल की कीमतें उस समय तक बढ़ाने से नहीं रुकेगी जब तक कि आम वोटरों और किसानों पर इसका सीधा असर न नजर आए।